जय श्री राम। सभी भक्तों को, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुख होता है, तो उस दुख से किस तरह से बाहर निकला जाए। देखिए, कई बार किसी अपने की मृत्यु इतना झकझोर कर रख देती है कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, ये मृत्यु, ये काल किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। और संभाल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसके मोह में इतना पागल हैं। प्रेम नहीं किया कभी हमने उससे, अपने से जो छोड़ कर गया, उसके मोह में फंसे हुए हैं। और मोह जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा परेशानी होती है उसके चले जाने। तो मोह किस प्रकार दूर हो ताकि हमें किसी की मृत्यु पर दुख ना हो, वो हम आपको बताते हैं एक दृष्टांत के द्वारा। भगवान बुद्ध के समय में एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र सांप के काटने से मर गया। उसने अनेक प्रकार से रुदन किया, खाना पीना भी छोड़ दिया, उसकी ममता शांत नहीं हुई। वह पागलों की तरह मरे हुए बच्चे की लाश लेकर इधर उधर फिरती रही, जिससे कि कोई उसके बच्चे को जिंदा कर दे। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि मरा हुआ बच्चा कभी जिंदा नहीं होगा, परंतु उस गरीब ब्राह्मण ने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी। अंत में लोगों ने कहा कि यदि तुम अपने बच्चे को जिंदा करवाना चाहती हो तो इसे महात्मा बुद्ध के पास ले जाओ, वो इस समय के महापुरुष है, यदि उनकी कृपा हुई तो आपका बच्चा अवश्य जिंदा हो सकता है। ब्राह्मणी की बुद्धि में तुरंत यह बात बैठ गई और वो बच्चे की सड़ी हुई लाश को लेकर भगवान बुद्ध की शरण में गई और अपनी सारी विपता कह सुनाई। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस लाश को हमारे पास छोड़ जाओ और नगर से मुट्ठी भर चावल मांग कर ले आओ, परंतु एक शर्त है कि चावल उसी से लाना जिसके घर में आज तक किसी की मौत न हुई। ब्राह्मणी बच्चे के मुंह में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। उसने भगवान के वचनों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसे तो एक ही ख्याल था कि पुत्र को जिंदा करवाने के लिए एक मुट्ठी चावल लाने हैं और वह भी उस घर से जहां आज तक कोई मौत न हुई हो। विधवा सारे नगर में घर घर से चावल मांगने गई, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की भी मृत्यु न हुई हो। अंत में थककर वापिस भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंची और सब हाल कह सुनाया। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी, मैं ये जान था कि तुम चावल नहीं ला सकोगी, परंतु भेजने का आशय यह था कि कोई भी घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु का निवास न हो। मनुष्य मृत्यु से बचने के लिए अनेकों उपाय करता है, परंतु आज तक इस मृत्यु के ग्रास से कोई भी नहीं बच सका। यहां तक कि जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनको भी शरीर त्याग कर जाना पड़ा है। इसलिए अब तू पुत्र शोक को त्याग दे और तुझे ऐसी युक्ति बताता हूँ जो तेरे इस शोक को दूर करने में सहायक होगी। भगवान बुद्ध ने उसको दिव्य नेत्र देकर उस परम प्रकाश परमात्मा का दर्शन कराया, जिससे उस ब्राह्मणी के चित्त को तत्काल शांति मिल गई और उसका मोह दूर हो गया और उसने अपने पुत्र के लिए रोना छोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है साधको कि आप भी इतना मोह में ना फंसो, उस परमात्मा से जुड़ो और सच्चे गुरु की शरण में जाओ, वो आपको सच्चा ज्ञान देंगे, उस परमात्मा के दर्शन का रास्ता दिखाएंगे, जिसके दर्शन करने के बाद यह मोह रूपी ग्रंथि हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। अन्यथा करोड़ों उपाय कर लेना, ये मोह रूपी ग्रंथि छूट नहीं सकती, और जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक हमारे चित्त को ना शांति मिलेगी और ना ही हम कुछ पा सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रेमी साधु।